चलो नालायक बच्चों देखना दोबारा से सर। सोशलिस्ट इकोनॉमी बेटा, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब जहां पे बात हो रही है सोसाइटी की, सोसाइटी के वेलफेयर की, और किसी प्राइवेट आदमी से उम्मीद मत करना कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कौन काम करेगा? गवर्नमेंट काम करेगी, स्टेट काम करेगा। डन। देखो सर पहला पॉइंट, द कंसेप्ट किसने कॉइन किया? कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंजल्स ने अपने वर्क जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कब? 1848 में। दूसरी बात, इस इकोनॉमी में मटेरियल मींस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के कोई भी मीन हो, चाहे फैक्ट्री हो, कैपिटल हो, माइन हो, सबका सब कौन ओन्ड करेगा? स्टेट ओन करेगी, गवर्नमेंट ओन करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही उन्हीं को करना है। तीसरी बात, सारे मेंबर इक्वली इंटाइटल्ड होते हैं ताकि उनको इस प्रोडक्शन का फ्रूट मिल पाए, बेनिफिट हो पाए, क्योंकि ये सोशलाइज्ड प्लांट प्रोडक्शन है जहां पे मैंने सबको इक्वल राइट्स दिए हुए हैं। ऐसी इकोनॉमी को मैं कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लांड इकोनॉमी कहता हूं। सर सेंट्रली प्लांट इकोनॉमी क्यों? क्योंकि सरकार प्रोडक्शन से पहले ही सेंट्रली प्लांट अथॉरिटी को कह देती है कि तुम प्लानिंग करो ताकि मार्केट में फोर्सेस का कोई रोल ना रहे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या बनाएगी ये हम डिसाइड करेंगे। अगली बात, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, किसको मिलेगा? ऑफ गुड्स का एम क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर। अभी अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं सर, क्या कैपिटलिस्ट, जिसका मोटिव क्या था? प्रॉफिट ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। अब देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इकोनॉमी। पहले हेडिंग याद करते हैं फिर आगे देखेंगे। क्या बोला? कलेक्टिव ओनरशिप। दूसरा, इकोनॉमिक प्लानिंग। तीसरा, अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, तुम जो चाहोगे वो नहीं बनेगा। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जब सबके लिए मैं एक जैसी चीजें डिसाइड कर रहा हूं तो सबका इनकम भी इक्वल हो जाएगा। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म जीरो है क्योंकि प्लानिंग तो मैं कर रहा हूं, तुमसे पूछा ही नहीं। अगला सर, अबसेंस ऑफ कंपटीशन, एक आदमी है स्टेट, वही सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो कंपटीशन कहाँ से आया? अब बेटा इसका डिटेल देखो एक एक करके। कलेक्टिव ओनरशिप, सर एक मिनट, अभी तो आपने बोला था सब कुछ गवर्नमेंट ओन करेगी, करेगी, पर कुछ चीजें हमारे हाथ में रहेंगी, देखते हैं सर। देयर इज अ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऊपर हमने बोला था फैक्ट्री माइंस ये सब गवर्नमेंट की होगी, एक्सेप्ट स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप्स एंड ट्रेडिंग फर्म्स, ये रिमेन इन प्राइवेट हैंड में रहेगी, छोटी छोटी चीजें सर। अगला, प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट ड्राइविंग फोर्सेस, क्योंकि यहाँ का ड्राइविंग फोर्सेस क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर। लास्ट पॉइंट, द रिसोर्सेज आर यूज टू अचीव, जो रिसोर्स को मैं यूज कर रहा हूँ उससे मुझे क्या अचीव करना है? सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बेटा मैं आपको जितना पढ़ाता हूँ ना, इसका बहुत थोड़ा सा वहां पढ़ाता हूं, बट स्टिल वो मुझसे डाउट पूछ रहे हैं बेटा। अगला, इकोनॉमिक प्लानिंग बेटा, देयर इज सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी सेट अकम्प्लिस सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्यों बोला? कह रहे हैं दिस देयर इज अ सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी है जो सेट करती है ताकि सोशियो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सके, इसीलिए इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोला जाता है। द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन जैसे कि व्हाट प्रोड्यूस, व्हेन, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड कर देती है। अगला पॉइंट, अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, क्योंकि प्लानिंग मैं कर रहा हूं तुमसे बिना पूछे। फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटेड, एमसीक्यू में आया हुआ है। किस इकोनॉमी में हंगर की गारंटी दी जाती है कि आप कभी भूखे नहीं रहोगे? बट कंज्यूमर सोवरेनिटी गेट रिस्ट्रिक्टेड बाय सेलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड। सर हमने देखा था कैपिटलिस्ट में आपने बोला था कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर जो मांगेगा वो बनेंगे, यहां पे बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। अगला, द रेंज ऑफ चॉइस इज लिमिटेड, बहुत कम चीजें हैं तुम्हारी चॉइस के लिए। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिवली इक्वालिटी ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सोशलिज्म। क्यों? क्योंकि अगर किसी को ज्यादा पैसा मिलेगा
और किसी को कम मिलेगा तो अंतर पैदा होगा। इसीलिए अमंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट, अगर मैं अदर थिंग्स को कॉन्स्टेंट रख दूं तो ये वाली बात समझना, डिफरेंस इज इनकम एंड वेल्थ आर नैरोड, किसी के पास ज्यादा इनकम है किसी के पास ज्यादा वेल्थ है, सर ऐसा नहीं होगा, ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, जितनी इनकम उसी हिसाब से वेल्थ क्रिएट होगा। डाउन बाय लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्यूमुलेट प्राइवेट सेक्टर, हमने तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, क्यों, क्योंकि सारी चीजें तो हम ही ओन्ड कर रहे हैं। एजुकेशनल एंड अदर फैसिलिटीज आर इंजॉयड मोर और लेस इक्वली, जो ये एजुकेशन है सब लोग इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होगी बेटा सब में। द बेसिस कॉज ऑफ इनइक्वालिटीज आर रिमूव्ड, अब कोई इनइक्वालिटीज नहीं बची होगी जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मैंने देखा है। ठीक है मैडम, समझ में आ रहा है, चलो अभी पूछेंगे मैं आपसे, इन्होंने बोला इनको समझ में आ रहा है। सिंस एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज डन अकॉर्डिंग टू द प्री डिटर्मिंड प्लान, जो प्लान पहले से बना है उसी के अकॉर्डिंग में रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है, द प्राइस मैकेनिज्म सच डज नॉट इन्फ्लुएंस दीज डिसीजन, तो अब कोई ज्यादा पैसे भी देगा तब भी मैं नहीं बनाऊंगा। अगला, इन द अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, अगर प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं तो प्राइस मैकेनिज्म लूज कर जाएगा और प्री डोमिनेंट रोल किसका आ जाएगा, गवर्नमेंट के डिसीजन का आ जाएगा। प्लानिंग प्रिवेलिंग, सॉरी प्राइस प्रिवेलिंग अंडर सोशलिज्म को कैसा प्राइस बोला जाता है, एडमिनिस्टर्ड प्राइस, क्यों, अगर कोई चीज 10 रुपए की बिक रही है तो ये तुमने तय नहीं करी, ये गवर्नमेंट ने तय करी, तो ये प्री डिटरमिंड प्राइस है, इसी का दूसरा नाम हो गया एडमिनिस्टर्ड प्राइस। आर सेटअप बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जल्दी से लास्ट वाला, कंपटीशन नहीं है, क्यों, क्योंकि स्टेट ही एंटरप्रेन्योर है सर, सब कुछ वही बना रही है। अब्सेंस ऑफ कंपटीशन अंडर सोशलिज्म, अब आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से याद करके दे दो। अब बेटा यहां पे देखो एक लाइन आ रही है, आप ना इसको खुद से पढ़ना, मुझे तो अभी तक कोई इसमें एमसीक्यू दिखा नहीं, लेकिन आप इसको इग्नोर मत करना, ये वाली लाइन मैं यहां पे लिख के लाया हूं, ये आपके लिए बोनस लाइन है, आप खुद पढ़ना बेटा। अब मैं बस आपको दिखा देता हूं बेटा, मैरिट और डीमैरिट, मैरिट और डीमैरिट बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी के, सोशलिस्ट इकोनॉमी के मैरिट और डीमैरिट मैं आपको दिखाता हूं, देखना सर। सबसे पहले मैरिट क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मैरिट, वैसे अगर मैं सोचूं तो मुझे अपने आप ही समझ में आने लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ लेता हूं। पहला, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक बात है सर, मुझे पता है मुझे ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगला, रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सर मैंने कैपिटलिस्ट में भी पढ़ा था रैपिड ग्रोथ, आप यहां पे भी बोल रहे हो रैपिड ग्रोथ, बेटा मैंने यहां पे रैपिड के साथ एक और वर्ड यूज किया, क्या, रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला सर, क्या बोला, प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक बात है वो था सर अनप्लान्ड यहाँ पे, लेकिन सब कुछ प्लानिंग अथॉरिटी प्लान कर देती है। अगला, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ पे भी बेटर यूटिलाइजेशन था बट वो मिस एलोकेशन था, यहाँ पे बेटर भी है और गुड एलोकेशन भी है। अगला सर, वेस्ट ऑफ ऑल काइंड आर अवॉइडेड, ठीक बात है सरकार कभी भी वेस्ट करेगी नहीं सर, थ्रू स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लानिंग पहले ही हो गई तो वेस्ट कहाँ से होगा, सिंस कंपटीशन इज अब्सेंट देयर इज नो वेस्टेज, अब जब कंपटीशन ही नहीं है तो वेस्ट कहाँ से होगा रिसोर्सेज का, ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, डन सर, सरकार क्यों अपनी चीजों का प्रमोशन करेगी सर। अगला सर, अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज, ठीक बात है सरकार प्रोडक्शन करवा रही है तो वो सबके बारे में सोच के सबको जॉब भी देती है, बिजनेस फ्लक्चुएशंस आर एलिमिनेटेड एंड स्टेबिलिटी इज ब्रॉट अबाउट एंड मेंटेन, सर बोला बिजनेस के फ्लक्चुएशंस जो चढ़ाव उतार होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्यों, प्लानिंग हो रखी है ना सर, और कोई कंपटीशन भी नहीं है, कंपटीशन के वैसे तो फ्लक्चुएशंस आते हैं। अगला सर, द अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव हेल्प्स कम्युनिटी टू डेवलप कोऑपरेटिव मेंटालिटी, सर अब्सेंस है प्रॉफिट मोटिव का तो सबके अंदर वेलफेयर की भावना जाग गई है, और सर इसीलिए जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है वो कोऑपरेटिव मेंटालिटी से हो रहा है। अगला पॉइंट, सोशलिज्म इंश्योर्स राइट टू वर्क, सबको काम मिलेगा सर। अगला, लेबरर एंड कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड, सर यहाँ पे कोई, हमने वहां पे देखा था ना एक्सप्लोटेशन हो रहा था लेबर का, यहाँ कोई एक्सप्लोटेशन नहीं होगा, फ्रॉम एक्सप्लोटेशन बाय एम्प्लॉयर एंड मोनोपोलीज रिस्पेक्टिवली, क्यों, क्योंकि सर स्टेट है, सरकार थोड़ी ना मोनोपोली करेगी या सरकार किसी को थोड़ी ना नुकसान पहुंचाएगी। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी अंडर सोशलिज्म एंड दिस मेक सिटीजन फील सिक्योर, उसको पता है खाना तो मिल ही जाएगा सर। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से देख लो बेटा डीमेरिट्स, बेटा डीमेरिट्स क्या क्या है,
इट इन्वॉल्व द प्री डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब सर इसका भी डिमेरिट, हाँ बेटा, क्योंकि सब कुछ किसका हो रहा है सर, ब्यूरोक्रेसी का, उसी का डोमिनेंस चल रहा है सर, वही जो बोल रही है वही हो रहा है सर। ब्यूरोक्रेसी का मतलब, अरे यार, गवर्नमेंट ऑफ द रिजल्टिंग इन एफिशिएंसी एंड डिलेज, मोर ओवर देयर मे ऑल्सो। लेकिन बेटा अगर सरकार सब कुछ करेगी तो सर कुछ लोगों के हाथ में चीजें हैं, तो बेटा इसका मतलब करप्शन होगा, रेड टेपिज्म होगा और फेवरेटिज्म होगा। फेवरेटिज्म, सरकार जिसको चाहेगी प्रोडक्शन करने के लिए उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी। डन सर, समझ आया, ये तो गलत है सर। इट रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सही बात है सर, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलता नहीं, और जो मुझे मिल रहा है वो मैं चाहता ही नहीं था। एज देयर द स्टेट ओनरशिप ऑफ द मटीरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टेट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ नियरली ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगला, इट टेक अवे द बेसिक राइट, हाँ जी सर, एज राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सर जो मेरा बेसिक फ्रीडम राइट था वही तुम लोगों ने छीन लिया। क्या छीन लिया? प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट में से छीन लिया, सब कुछ तुम ओन करने लगे हो। अगला, इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव, हाँ जी सर, जो आदमी ज़्यादा मेहनत कर रहा है फिर भी उसको उसका प्राइस नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि प्राइस तो पहले से ही तय है, तो सर ये बेकार है, हार्डवर्क यहाँ पे करने का नहीं। अगला सर, एडमिनिस्टर्ड प्राइस होते हैं, प्राइसेस पहले से तय हैं, आर नॉट डिटरमिंड बाय द फोर्सेज ऑफ द मार्केट, इसीलिए नो प्रॉपर बेसिस फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन। क्या फ़ायदा मैं अपना कॉस्ट कैलकुलेट करूं कि सर इसको बनाने में इतना लगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है सर, बिकेगा तो उसी प्राइस पे जो तय प्राइसेस है बेटा। अगला पॉइंट बेटा, स्टेट मोनोपोलीज क्रिएटेड, जैसे रेलवे में देखो बेटा, रेलवे में क्या प्राइस होगा, क्या सर्विसेज होगी, क्या फूड मिलेगा, सब कुछ गवर्नमेंट पहले से तय करके रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली है सर, इसलिए बेकार नहीं। मुझे तो रेलवे का खाना, बहुत सच बोलूँ तो, पसंद भी नहीं है सर, बहुत सारा पैसा भी लेते हैं और खाने में भी कोई स्वाद नहीं होता, होता है ना मैडम? नहीं होता क्या ये सर? मुझे क्या पता, मुझे तो कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला अभी तक। मिलेगा बेटा, अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी शादी होगी, फिर अच्छी जगह जाने का मौका मिलेगा। अच्छा, फ्लाइट से जाओगे? ओके, क्या ये मतलब उड़ के जाऊंगी? हाथ से इशारा किया था ना आपने अभी। अरे सर, आ जाओ सर। अंडर सोशलिज्म क्या, कैसे उड़ के जाओगे? द कंज्यूमर हैव लिमिटेड फ्रीडम, अभी आपने बोला कि कंज्यूमर को कोई फ्रीडम नहीं है, अब आप बोल रहे हो लिमिटेड फ्रीडम। अरे बोला था ना कि सर सब कुछ स्टेट ओन्ड करती है, लेकिन स्मॉल फार्म्स, स्मॉल ट्रेडिंग फार्म्स, ये सब तुम होल्ड कर सकते हो, इसलिए बोला ऑफ चॉइस, देयरफॉर व्हाट द स्टेट प्रोड्यूस हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंज्यूमर, आपको वही एक्सेप्ट करना पड़ता है जो स्टेट ने बनाया हुआ है। सेकेंड लास्ट पॉइंट बेटा, नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द पर्सनल एफिशिएंसी, तुमको बोला ना ज़्यादा काम करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, इसका मतलब उसके एक्ट को डिस इंसेंटिव ऑफ वर्क बोला गया, तुम्हारे काम को कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। लास्ट पॉइंट सर, द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकेबल सर, इसीलिए इस पूरी दुनिया में कहीं पे भी एक्सट्रीम लेवल का सोशलिज्म नहीं पाया जाता, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसी और की मर्जी से मैं खाना खाऊं, किसी और की मर्जी से मैं घूमने जाऊं, और किसी और की मर्जी से मैं शादी कर लूं, अबे हटा, नहीं करना सर, मुझे ऐसे देश में नहीं रहना। डन, चलो सर, पक्का पक्का समझ में आया, वेरी गुड।